समझते हैं कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। हमें इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल्स मेथड क्या काम करता है, इट चेक्स द इक्वलिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करता है। इट कंपेयर्स द की वेदर दे आर इक्वल और नॉट, मतलब क्या करेगा, जो इक्वल्स मेथड है वो चेक करता है कि जो की है जब हम पुट कर रहे हैं मैप में कोई की और वैल्यू पेयर में, तो की को चेक करता है क्या ये की इक्वल है। मतलब हमने एक एलिमेंट तो पहले पुट कर दिया, जब हम दूसरा पुट करेंगे हैश मैप डॉट पुट की, हमने लिखा वन और वैल्यू लिखा तीन, तो ये चेक करेगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा, पहली बार में तो कुछ है नहीं चेक करने के लिए, तो पहले जब पहला एलिमेंट हम डालेंगे तो इंसर्ट कर देगा, जब हम दूसरा एलिमेंट डालेंगे तो पहले चेक करेगा किससे, जो पहले एलिमेंट है उससे, ठीक है, कि ये अगर इक्वल है कि इक्वल है तो वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। तो इक्वल मेथड का काम होता है कि जो हैश मैप में एंट्री पड़ी हुई है उसकी की पे ये इक्वल मेथड पहले अप्लाई करता है। इक्वल मेथड चेक करता है कि जो की पहले से पड़ी हुई है और जो हम की और वैल्यू डाल रहे हैं कहीं वो की बराबर तो नहीं है, अगर इक्वल होंगी तो वो ओवरराइट कर देगा उस वैल्यू को, उस की को और वैल्यू को, और अगर इक्वल नहीं है तो उस की वैल्यू को ओवरराइड ना करके दूसरी एंट्री हैश मैप में डाल देगा, ठीक है। इक्वल मेथड का काम यहाँ पे क्या होता है, चेक करना कि की इक्वल है या नहीं है। दूसरा होता है हैश कोड मेथड, क्या होता है, बाई द हेल्प ऑफ हैश कोड मेथड वी गेट बकेट नंबर। अब बकेट क्या होती है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, ठीक है। बकेट नंबर, कि बकेट नंबर पता चलता है जब हम हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब इस तरीके से हैश मैप एच एस इक्वल टू न्यू हैश मैप, न्यू हैश मैप ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा, एक बकेट बनेगी, ठीक है। बकेट मतलब जैसे एरर लिस्ट में, जब एरर लिस्ट होता है तो एरर लिस्ट में इस तरीके की ब्लॉक हमको रेडी हो जाते हैं, ऐसे ही जो हैश मैप होता है इसमें जो बनता है इसको हम बोलते हैं बकेट, ठीक है, ये बकेट। तो इस मैप की इनिशियल कैपेसिटी होती है 16, तो इसमें 16 बकेट बन जाएंगे इनिशियल लेवल पे, ठीक है, जिसमें हम की और वैल्यू पेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट आपने डाला है या जो की और वैल्यू ऑफ पेयर डाल रहे हो वो कौन सी बकेट में जाना चाहिए, कौन सी बकेट में जाना चाहिए, तो उसको हमको हैश कोड देता है। हैश कोड मेथड हमको बताता है कि ये जो आप की और वैल्यू पेयर डाल रहे हो वो आपको इस बकेट नंबर पर डालना है। वो कैसे पता करता है हैश कोड मेथड, हैश कोड मेथड इंटरनली की को लेता है और उस की पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हमें नहीं पता वो क्या करता है, ठीक है ना, हमको जानने की जरूरत। तो हैश कोड क्या करता है, जो की है उस की पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उससे कुछ कैलकुलेशन करके वो निकालता है कि इस एंट्री को हमको किस बकेट नंबर पर डालनी है, ठीक है। तो हैश कोड हमको क्या देता है, बकेट नंबर। अब बकेट क्या होती है वो समझो, बकेट, और इस बकेट को हम सेगमेंट भी बोलते हैं, बकेट को सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बकेट है और इसी को बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी ऑफ हैश मैप इज 16, सो 16 बकेट इज क्रिएटेड टू स्टोर द की, ठीक है, की वैल्यू पेयर। हैश मैप की इनिशियल कैपेसिटी होती है 16, तो 16 बकेट बन जाएंगी की और वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए एट इनिशियली व्हेन वी क्रिएट हैश मैप क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है यहाँ तक। एंड दिस बकेट इज रिप्रेजेंट बाई द एरे लिस्ट, ठीक है। और ये जो बकेट है, ये बकेट हम मान सकते हैं कि एक एरे लिस्ट है, ठीक है, ये एक बकेट है। जैसे एरे लिस्ट में ये एरे लिस्ट इस तरीके से दिख रही है आपको, ये इसका जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, इसी तरीके के इस पूरे को हम एरे लिस्ट मान सकते हैं और इसमें इसको हम बोलते हैं बकेट, ठीक है। ये जो है, जो बकेट होती है वो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट, और इस एक को बोलेंगे बकेट, ठीक है। एंड द एंट्री, एंट्री का मतलब की वैल्यू पेयर स्टोर इन दिस बकेट इनटू द लिंक लिस्ट, मतलब क्या कह रहा है,
जैसे ही है, ठीक है, जैसे ही आपने हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने लिखा हैश मैप एच एस इक्वल टू न्यू हैश मैप, तो क्या होगा, एक ये एरे लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, एक ये एरे लिस्ट जैसी आपको दिखेगी, आपको दिखेगी नहीं, मतलब इंटरनली बनेगी, और इसमें 16 बकेट होंगी, 16 ब्लॉक कह लो या 16 सेगमेंट कह लो या 16 बकेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन वी कॉल पुट मेथड फर्स्ट, जब हमने क्या किया, जब हम पुट मेथड कॉल करते हैं, पुट का मतलब जैसे हैश मैप डॉट पुट, इसमें हमने वैल्यू डाल दी एक और की डाल दी वन और वैल्यू डाल दी राज, ठीक है। अब क्या होगा, हैश कोड मेथड इज कॉल्ड ऑन द की टू जनरेट द बकेट नंबर, हैश कोड मेथड, ठीक है, हैश कोड मेथड यूज करेगा इस की का, ठीक है, और क्या देगा हमको, बकेट नंबर, कि ये जो की है वो किस बकेट नंबर पे स्टोर होनी है, या जो या यूँ कहें ये जो एंट्री हम डाल रहे हैं ये किस बकेट नंबर पे इंसर्ट होगी। इसमें ऐसा नहीं होता कि हमने पहली बार डाला तो ये इस वाली पे इंसर्ट होगी, नहीं, ये हैश कोड एक वैल्यू देगा आपको निकाल के कि किस बकेट नंबर पे आपको ये की वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने एक एंट्री डाली, कौन सी, एच एस डॉट पुट 12 और 35, 12 की है और 35 वैल्यू है, तो क्या होगा इस केस में, देखो सपोज हमने मान लिया हैश कोड जनरेट बकेट नंबर 3, कि इस की पर हैश कोड मेथड कॉल हुआ या हैश कोड मेथड ने इस की के करस्पॉन्डिंग हमको बकेट नंबर दिया 3, ठीक है। हैश कोड का रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, तो ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो हैश कोड मेथड ने इस की को यूज किया और हमको बकेट नंबर 3 दिया, मतलब क्या, इसने बोल दिया कि बकेट नंबर 3 पर ये एंट्री डाल दो, ठीक है, बकेट नंबर 3 पर एंट्री डाल दो, सो दिस एंट्री, कौन सी एंट्री, 12 35, विल गो इनटू थर्ड नंबर बकेट इनटू लिंक्ड लिस्ट फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब हमने ये हैश डॉट पुट मेथड कॉल किया, ये की और वैल्यू हम डाल रहे हैं, इस की का यूज करके हैश मैप ने, पहले हैश मैप ने हमको एक बकेट नंबर दे दिया कि आप ये जो एंट्री डालना चाह रहे हो इस बकेट नंबर पे जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, उसके अंदर क्या कोड लिखा है, हमें कुछ नहीं जानना। हमने मान लिया कि उसने बकेट नंबर 3 बता दिया हमको, अब ये एंट्री जाएगी तो इसमें 3 नंबर की बकेट में, लेकिन कैसे, ये तो पूरी एरे लिस्ट है, इस बकेट में अब क्या बनेगा, एक नोड बनेगा, इस बकेट में क्या बनेगा, एक नोड बनेगा, यहाँ पे जैसे 3 में एंट्री जा रही है तो इस बकेट में एक नोड बनेगा, और नोड क्या होते हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक नोड बन जाएगा इस 3 नंबर के बकेट में इस तरीके से, जिसमें क्या होगा, की और वैल्यू आ जाएगी बीच में, और साइड में क्या आ जाएंगे, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस रखने के लिए, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए, बट अभी इनिशियल लेवल पे जब इसमें एड्रेस नहीं है तो इसमें रहेगा नल और नल, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में सर? इसमें जो बकेट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है? हाँ जी, जीरो से पंद्रह। ओके सर, मतलब ये आपको एरे लिस्ट बताता है, ठीक है, तो ये जो बकेट है ये बता रही है आपको एरे लिस्ट, और इसमें जो एंट्री जा रही है वो जा रही है लिंक लिस्ट के फॉर्म में, हर बकेट में। किसी को कोई समझ में नहीं आई? उत्तम, याद आया कुछ ऐसा पढ़ाया था? हाँ सर, इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जैसे मान के चलना आपको ना हर बकेट में है ना एक नोड बनेगा, तो ये इसके जो इंटरनली जो वर्किंग है वो कैसे काम कर रहा है कि ये है ना 3 पे ही जाएगी? अरे ये हैश कोड मेथड काम कर रहा है ना, हैश कोड यही तो जनरेट करके देता है कि हैशिंग टेक्निक, मतलब हैश कोड मेथड की पे काम करेगा, वो हमको देगा कि ये बकेट नंबर 3 है, वो कुछ भी दे सकता है, 3 15 5 जो भी होगा कैलकुलेशन। सपोज मान लो कि रैंडमली होगा, वो उसके अंदर कुछ लिखा होगा, कोड लिखा होगा, ओके, उसके अंदर कोई एल्गोरिथम होगी, ठीक है, वो जरूरी नहीं है 3, वो कुछ भी दे सकता था, वो 0 दे सकता था हैश कोड मेथड, वो डिपेंड करता है कि जैसे 12 है, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी इसकी जैसे 15 है, कुछ भी मान लो इसमें किया कितना रिमाइंडर आया कि कितना किसका आया 3,
मतलब इस टाइम में बता रहा हूँ कुछ ऐसी टेक्निक हो सकती है, 12 से 15 को भाग दो तो एक बार चलाएगा, 3 शीश पर बचेगा तो इसका मतलब 3 नंबर की विकेट पर डाल दो, एक एक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूँ कि ऐसा इस तरीके का कुछ लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट कर रहा है बकेट नंबर, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो इतना है कि हैश कोड बकेट नंबर जनरेट करके देता है कि जो एंट्री जा रही है वो इस बकेट नंबर पे जाएगी। तो यहाँ पे आपको हैश मेथड, हैश कोड मेथड का यूज समझ में आया कि जो हैश कोड मेथड होता है वो काम क्या करता है, हैश मैप में क्या काम करता है, क्या रोल है हैश कोड का, हैश कोड मेथड का हैश मैप में। हैश कोड मेथड का ये रोल है कि जब हम कोई भी एलिमेंट पुट करते हैं तो वो हमको बकेट नंबर जनरेट करके देता है कि इस बकेट नंबर पे आपकी ये जो एंट्री जाएगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? निशा और जो पहली बार पढ़ रहे हैं नए स्टूडेंट हैं, किसी को कोई दिक्कत है? दीक्षा? नो सर। सबको क्लियर हो रहा है ना, आगे बढ़े। सर इसमें एक चीज मुझे नहीं क्लियर हो रही, इसमें तो जैसे इसमें मतलब जब अपनी एरर लिस्ट बनेगी तो एरर लिस्ट पहले एक बार बन जाएगी पूरी, फिर उसमें बकेट डालेंगे अलग अलग, मतलब लिंक लिस्ट में तो ऐसा होता था हर एक नोड ऐड होता जाता था। हाँ, तो जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया इतना, तो ये इतना पोर्शन बन गया बस, ये पोर्शन बना। जब हमने पुट मेथड कॉल किया तो कौन सी बकेट, इनको बकेट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको बकेट बोल रहे हैं एस मैप के केस में। अब जैसे ये इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी इनमें सब में? हाँ नल है ना, ये नल रहती है। ओके, एरर लिस्ट में नल रहती है तो इसमें भी नल है। अब जब जो एंट्री जाएगी इसमें बकेट में, वो लिंक लिस्ट के फॉर्म में जाएगी। जैसे लिंक लिस्ट काम करती है, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, एक एंट्री जाएगी एक नोड बन जाएगा। जो भी नोड मतलब भी बन सकता है लिंक लिस्ट में, तो ऐसे स्टार्टिंग से बनता था 1 2 3। हाँ, जीरो से लेके, नहीं नहीं, इसमें भी आगे देखो, आगे और क्लियर होंगी चीजें। नए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत, उनको सब समझ में आ रहा है? सर मेरी बीच में क्लास छूट गई ना, तब से कम हो रहा है। उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन है, पुरानी वीडियो देख लो, क्लियरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक एंट्री तो हमने ये डाल दी, ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री डालते हैं, तो अब देखना दूसरी एंट्री पे क्या होगा। अच्छा, अब दूसरी एंट्री पे सपोज वी पुट 24 और 17। अब इस केस में क्या हो सकता है, मान लिया हमने इस बार हैश कोड ने क्या किया, हैश कोड मेथड ने इस की के करस्पॉन्डिंग हैश कोड मेथड ने हमको नंबर दिया 2, ठीक है, कि बकेट नंबर 2 पे ये आप एंट्री डाल दो 24 और 17। ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है 2, पहले उसने 3 दी वो 3 भी दे सकता था। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं कि जब पहला एलिमेंट हमने पुट किया तो उसने बकेट नंबर 3 दिया, दूसरा हमने एंटर किया तो उसने बकेट नंबर 2 दिया। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री है बकेट नंबर 2 पर चली जाएगी, कैसे, ये हमारी एरर लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब तीसरे इंडेक्स पे ये वाली एंट्री हमने डाल दी, दूसरे इंडेक्स पे ये वाली एंट्री आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ हैश कोड मेथड का काम आया है यहाँ पे, इक्वल मेथड का अभी तक कोई काम नहीं आया है। ठीक है, तो हैश कोड मेथड का काम क्या होता है, हमको ये बताना कि जो हम एंट्री कर रहे हैं हैश मैप में उसकी बकेट नंबर जनरेट करके देना। ठीक है, ओके, अब हमने मान लिया तीसरी एंट्री डाली, कौन सी, 30 और 80। अब देखो, अब हमने ये मान लिया कि हैश कोड ने क्या जनरेट किया, हैश कोड जनरेट बकेट नंबर 2, फिर से उसने बोला कि ये जो एंट्री है इसको 2 नंबर की बकेट में डाल दो। क्या बोला उसने, इसको 2 नंबर की बकेट में डाल दो। ठीक है, सो दिस एंट्री 3080 विल गो इंटू सेकेंड नंबर बकेट इंटू लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट फॉर्म, बट नाउ बिकॉज ऑलरेडी 1 एंट्री इज अवेलेबल इन टू बकेट नंबर 2। अब क्या होगा, दूसरे नंबर की बकेट में तो जा रही है, ये दूसरे नंबर की बकेट में एंट्री तो जानी है, ये तो हैश कोड मेथड ने क्लियर बता दिया। अब पहले से एक एंट्री पड़ी हुई है,
तो अब हैश मैप जो है वो चेक करेगा कि जो पहले जो एंट्री पड़ी हुई है उसकी की और जो हम अब डाल रहे हैं उसकी की कहीं सेम तो नहीं है। फर्स्ट इट विल कंपेयर द ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग की, इफ द की आर इक्वल्स देन इट विल ओवरराइड द वैल्यू, अदरवाइज इट विल इंसर्ट द एंट्री विथ न्यू नोड। मतलब क्या, अब यहाँ पर जो पहली एंट्री पड़ी थी वो 24 पड़ी थी और 70, 24 की थी 70 वैल्यू थी। अब हम जो नई एंट्री डाल रहे हैं उसकी की है 34, तो 34 और 24 इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा इसी बकेट में एक और नोड बनाएगा और ये एंट्री डाल देगा। तो ये जो एंट्री जा रही है बकेट में लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में जा रही है। अब क्लियर हुई पिक्चर? यस सर। मतलब ये मतलब बकेट नंबर 2 पर डालेगा ये बगल बगल में या फिर ये 3 पर डालेगा इसको 3480 को? कोई मूर्ख वाली बात करते यार, मैं क्या कह रहा हूँ हैश कोड जनरेट करके देता है, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हैश कोड ने जो जनरेट करके दे दिया है दो नंबर, वो कुछ भी दे सकता है, हम तो समझ नहीं। मतलब मेरा कहना कि बकेट नंबर 2 में दो एंट्री डाल देगा ये बगल बगल में कि एक ही डालेगा? लिंक लिस्ट कैसे बनती है, एक नोड बनता है, दूसरा नोड अगर दूसरा ऐड करते हैं तो दूसरा नोड बनता है और ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। यस, वही तो है यहाँ पे इंटरकनेक्शन दिक्कत है कि जैसे ये यहाँ पे एक नोड है इसमें एंट्री गई, जब नया नोड बना तो जैसे लिंक लिस्ट काम करता है वैसे ही काम हो रहा है, दूसरी एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री इसमें आएगी और ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। इसमें इसका एड्रेस होगा प्रीवियस वाले का, इसमें इस वाले में नेक्स्ट इसका एड्रेस होगा, इसके नेक्स्ट अगर आता है तो फिर से इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। जैसे लिंक लिस्ट हमने सीखी थी वही काम होगा अगर डुप्लीकेट एंट्री नहीं है सेम बकेट में। कोई डाउट किसी को पूछ लो, कोई डाउट चल रहा है किसी के मन में? पार्सिंग समझ में आ रही चीज है? Yes, sir. अगर अपन ने फिर से किया तो उसमें दोबारा से 3480 दे दिया अपन ने की तो दो नंबर बकेट में, तो फिर उसी पर ओवरराइड कर देगा ना ये? जी बिल्कुल, वो आगे की प्रोसेस देखो, वही नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ। सपोज अब हम क्या कर रहे हैं 2490, ठीक है 2490 पुट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, और हमने मान लिया कि 24 इस बकेट के लिए भी हैश कोड मेथड ने बोला कि इसको भी दो नंबर की बकेट में एंट्री करा दो, ठीक है। अब चूंकि दो नंबर की में एंट्री करा रहे हैं तो यहाँ पर देखो दो नंबर की में पहले से ही के एक पड़ी हुई है, कौन सी 24 और 90, 24 की वैल्यू 90, ठीक है। तो अब क्या करेगा, दूसरे नंबर की बकेट में जाएगा तो चेक करेगा सारी की चेक होंगे, जितने भी नोड होंगे सारी वैल्यू चेक होंगे। तो पहले चेक करेगा कि जो नया नोड हम डाल रहे हैं नई वैल्यू डाल रहे हैं क्या इसमें पहले से तो नहीं है, तो पहले से पड़ी हुई है ये वाली की 24, तो ये और ये इक्वल है तो क्या कर देगा इसको ओवरराइड कर देगा यहीं पे। अगर ये 90 की जगह 80 होती तो यहाँ पे ये 24 और 80 हो जाता, ठीक है। सर इसमें एक चीज और बता दीजिए, जैसे पहले इक्वल्स मेथड कॉल होता है कि हैश कोड कॉल होता है, मतलब पहले क्या कर चेक करता है? पहले ये बताओ कि आपको खाना खाना है तो पहले सब्जी बनाओगे कि पहले खाओगे? पहले सब्जी बनाएंगे सर। तो एलिमेंट कहाँ डालना है पहले वो तो पता चले तब चेक करेंगे कि भाई उसमें है भी या नहीं है, तो इक्वल है या नहीं है। आप पहले कहाँ चेक करोगे बताओ, आपको अगर बकेट नंबर नहीं पता कहाँ पे चेक करोगे? तो बकेट नंबर पता चलेगा, हाँ भाई इस बकेट नंबर में हमको अपना नया एलिमेंट डालना है, तो उस बकेट में चेक करोगे कि पहले से कोई पड़ा है कि इसमें पड़ा होगा तो चेक करेगा कि भाई ये तो नहीं है जो मैं फिर से डाल रहा हूँ इसमें नया एलिमेंट, पहले से पड़ा तो नहीं है। अगर नहीं होगा पड़ा तो उसमें एक नोड ऐड कर देगा, और पड़ा होगा तो ओवरराइट कर देगा, और कुछ भी नहीं होगा पहली बार डाल रहे हैं तो इंसर्ट कर देगा। किससे कंपेयर, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो कंपेयर किससे करेगा, किसी से नहीं। तो पहले हैश कोड मेथड जनरेट होता है, हैश कोड मेथड कॉल होता है, वो हमको बताता है इस बकेट पर डालो इस एंट्री को। अब फिर उस बकेट में जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या उसमें पहले से कोई एंट्री पड़ी है, हाँ अगर पड़ी है तो फिर हम चेक करते हैं क्या जो हम एंट्री डाल रहे हैं नई पहले से तो नहीं पड़ी, पहले से की अवेलेबल नहीं है।
अगर हाँ की अवेलेबल है तो उस की को ओवरराइट कर दो, की और वैल्यू को ओवरराइट कर दो। अगर की नहीं है तो नया नोड बना के एंट्री कर दो। और उसके पहले भी अगर हमने देखा कि जिस बकेट में हमको ये एंट्री डालनी, उस बकेट खाली है, वो उसमें कोई है ही नहीं, तो कुछ नहीं, सिंपल से डाल दो वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर कुछ वैल्यू है ही नहीं चेक करने के लिए, इक्वल चेक करने के लिए। आईवा सॉन में किसी को और कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया, बोलो बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर जैसे जैसे इसमें की मतलब सेम हुई तो मतलब ओवरराइट कर देगा, हाँ जी, या फिर की और वैल्यू दोनों होना चाहिए? की के बेस पे ही करता है ना दोस्त, हैशमैप तो काम। कहाँ खो गए यार तुम लोग, कहाँ पहुँच गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने लगे आप। इस समय तो आपकी स्किल और अच्छी होनी चाहिए थी, आप तो डाउनग्रेड हो रहे हो अपग्रेड की जगह। ठीक है, हमेशा जो हैश मैप होता है वो की को ही तो चेक करता है कि की इक्वल है तो वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, की वैल्यू थोड़ी ना देखता है, वो सिर्फ की पे देखता है कि की इक्वल है या नहीं है, क्योंकि की एक की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, तो और किसी को कोई कन्फ्यूजन? नए स्टूडेंटों को कोई कन्फ्यूजन? दीक्षा, मुस्कान, पूजा? नो सर। पूजा ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीखा कि हैश मैप कैसे काम कर रहा है, मतलब कि जब हम हैश मैप का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हैश मैप एच एम इक्वल टू न्यू हैश मैप, तो एक एरे लिस्ट बन जाती है। ठीक है, जिसकी जिसको जिसमें 16 बकेट होती है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम मेथड कॉल करते हैं, पुट मेथड कॉल करते हैं, पहली बात है पुट मेथड, जब हमने पुट मेथड कॉल किया तो हैश कोड हमको की के बेस पे, किसके बेस पे? की के बेस पे, ये जो की होती है उसके बेस पे हैश कोड मेथड हमको बकेट नंबर देता है कि ये जो वाली एंट्री हम हैश मैप में डालने जा रहे हैं वो किस बकेट में डालें। ठीक है, अगर उसमें पहले से कोई वैल्यू नहीं है उस बकेट में तो ये एंट्री हम डाल देते हैं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू है पहले से तो ये चेक करते हैं क्या उसमें जो पहले से वैल्यू पड़ी है और जो हम डाल रहे हैं उनकी की सेम तो नहीं है, ये हम चेक करते हैं इक्वल मेथड से। अगर की सेम है तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, और की सेम नहीं है तो एक नया नोड बना के की और वैल्यू पेयर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर, आगे बढ़े? ठीक है, तो ये है हैश मैप की इंटरनल वर्किंग।